हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आकृति और आज रात को 12 बजे जन्माष्टमी सेलिब्रेट होगा, तो हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। घर पे बन रहा है उपवास का खाना, सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या बन रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, आलू की सब्जी बना रहे हैं जो उपवास की होती है वो, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल के रखा है, सो वो पॉसिबल है तो वो देख लो, नहीं तो इसमें देख लो। एंड धनिया की पंजीरी बना रही, क्योंकि घर पे और मंदिर में दोनों जगह ही भगवान को भोग लगाने के लिए पंजीरी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे, सो वो बना रहे हैं। एंड राजगिरी की आटे की रोटी बनाएंगे, सो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे हमारे जो आलू है वो रेडी है, बॉईल करके मैंने इनको पीस में कट कर लिया है। और यहाँ पे हरी मिर्ची है और ये है खोपरा और उसके नीचे है धनिया जो मैंने अभी पीसा। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है पंजीरी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की सब्जी। जहाँ भी राजे राधा रानी। सो मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया है घी और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। जहाँ भी राजे राधा रानी, हल बेली सरकार, कन्हैया ले चल पर ले पाए, कन्हैया ले चल पर ले पाए। सो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची। थोड़ा दूर हो जाते हैं क्योंकि आजकल पता नहीं ऑयल से ऐसे उड़ उड़ के आती है ये सब चीजें। देखो सो मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू बॉइल किए हुए, जिनको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। फ्लेम हम कम कर देते हैं और अब इनको मिक्स करेंगे। ये वाली जो सब्जी है ना, हम सबको बहुत पसंद है घर पे, बस बहुत है मम्मी, बहुत है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। और काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अब इसको एक दो मिनट के लिए सेकेंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। एक दो मिनट सेकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये जितनी झोल वाली बनेगी ना उतनी टेस्टी लगेगी, ऐसा है। ये देखो मस्त, हमारे घर पे सभी लोगों को ये वाली सब्जी पसंद है। तो कभी भी हमारे घर पे सपोज अगर एक दो दिन का व्रत होता है ऐसा बड़ा वाला और ये वाली सब्जी बनती है तो सब लोगों के लिए बनती है, सब लोग ये वाली सब्जी खाते हैं और राजगिरे की रोटी ही खाते हैं। किसी को नॉर्मल रोटी नहीं चाहिए, राजगिरे वाली रोटी ही चाहिए। सो एक फायदा है कि हाँ सबके लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ता, एक में ही काम हो जाता है ना मम्मी। हमारे नखरे नहीं, हम जो मिले हम वो खा लेते आराम से, ऐसा नहीं कि ये वाली सब्जी नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे, जो है सब खा लेंगे हम लोग। इसमें अभी बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। मम्मी सॉल्ट भी डाल दी इसमें, पिछली बार मैंने तो नहीं बताया वीडियो में, क्यों मुझे पता ही नहीं सॉल्ट डालनी होती है, इसीलिए वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा था। मम्मी पूरी रेसिपी नहीं बताती, अपने लिए रखती है कि मैं बताऊंगी पूरी रेसिपी। देखो इसमें सॉल्ट भी बढ़ती है गाइस, तो आप लोग बनाओ तो आप लोग सॉल्ट भी डाल देना, आप तो क्या ही नेक्स्ट ईयर डाल देना। पंजीरी में डाल दिया है और हमारी सब्जी भी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो गैस बंद कर देते हैं और हमारी आलू की सब्जी व्रत वाली तैयार है बनके। ये बहुत ही टेस्टी लगती है हम लोगों को। धनिया मत डालो मम्मी, खराब हो जाएगा। कभी ऐसे ट्राई कर लेंगे बना करके, चलेगा? खराब, मैं अलग से निकाल लूं फिर डाल दोगे? एक कटोरी बाद में डालेंगे, ठीक है। धनिया नहीं डालेंगे बिकॉज मुझे नहीं पता कि धनिया डालने के बाद इसका कैसा टेस्ट आएगा। नो छेड़छाड़ विद सब्जी, सब्जी हमारी बनके तैयार है। और यहाँ पे पंजीरी भी मम्मी बना रही है। मम्मी हो गया पंजीरी, अभी सिर्फ चीनी डालनी है ना, सिर्फ चीनी डालनी है पंजीरी में। मस्त दिख रही है।
चीनी डाल। हाँ, इसमें जा रही है चीनी। चीनी हम गांव से लेके आते हैं। हाँ गाइस, हम लोग जो चीनी है ना वो सिर्फ गांव से लेके आते हैं, बाकी तो सारे मसाले और सब चीजें यहीं से ले लेते हैं। बट एक ये चीज है मतलब जो हम लोग यहाँ की नहीं खा सकते, वो है पिसी हुई चीनी। और चूरमा वगैरह में ना यहाँ बॉम्बे वाली चीनी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो हम लोग स्पेशली राजस्थान जब भी जाते हैं तो बाहर से मस्त 3-4 किलो शक्कर लेके आ जाते हैं पिसी हुई, और हमारा उससे काम हो जाता है। तो एक ये चीज है जिसमें चीनी बहुत ही लग रही है। हाँ बस है, बस ज्यादा हो जाएगी फिर, वो दिख रही है चीनी इसमें थोड़ा। मैं भी हाथ लगा देती हूँ भगवान के प्रसाद को, मैं भी पुण्य कमा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पूरा पुण्य कमाया है ना, उन्हें थोड़ा हमें भी हाथ लगाने का मौका दो, पुण्य कमाने का मौका दो। दादी ना मम्मी बोल रही हाथ लगाते ही गिरा देती है चीजें। कोई बात नहीं यार, ऐसे करने अगर तो सीखेंगे हम लोग। क्या मम्मी आप भी ऐसे बोलते हो ना, मेरी मम्मी ऐसा है ना, अगर कुछ खाना या कुछ भी बनाते हैं ना तो किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल नहीं गंदा करते, और गैस जो है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं करते। मतलब कढ़ाई के अंदर ही इतने अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की हेल्प से कि वो एक दाना भी नीचे नहीं गिरे, और गिर जाएगा तो उसको साफ कर देंगे तुरंत। मैं भी वैसे ही हूँ, बट हाँ कभी कभी थोड़ा गिर जाता है गैस पे। मैं प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी गंदा नहीं करती हूँ। मम्मी पीछे से आवाज कर रही थी भयंकर, क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। सब बन गया है, यहाँ पे हमारी पंजीरी बन गई है प्रसाद की, और ये हमारा प्रसाद बन गया है, और रोटी जो है वो हम लोग आके बनाएंगे मंदिर से, क्योंकि आज पापा एकदम लेट आने वाले हैं, 1-2 बज जाएगा उनको आते थे, क्योंकि मंदिर में भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट होगा, तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे, भोग रख के आएंगे, और फिर मैं वापस रात को जाऊंगी। मैं हर साल जाती हूँ, सो यस लेट्स गो। ये पंजीरी पैक हो रही है मंदिर के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए। सो मैं मंदिर जाके आ गई, जो भगवान को प्रसाद लगने वाला था जो घर पे बनाया था पंजीरी, वो हम लेके आ गए मंदिर में। और आके मैंने थोड़ी देर नींद ले ली, बिकॉज आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था, फीवर जैसा लग रहा था, तो थोड़ी देर नींद ले ली। और मम्मी यहाँ पे राजगिरे का आटा लगा रही है, ऑलमोस्ट लग गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लग गया ना मम्मी ये? हाँ लग गया। बस इसकी जो रोटी है वो जब पापा आ जाएंगे तब हम निकाल जब इसका बढ़िया सा लाइव दिखा देंगे। हाँ दिखाती हूँ। सो रोटी हम पापा आएंगे उसके बाद बनाएंगे, फिर साथ में खाएंगे। लग गया ये देखो, आटा लग गया है राजगिरे का। एंड अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, आधा घंटा बचा है, 11:30 बज गए हैं, सो चलो मंदिर चल रहे हैं, लेट्स गो। Thank you.
Thank you.
हाय गाइस, सो घर आ गए हैं और जो प्रसाद की पंजीरी जो हम लोग बाबे भोग लगा के लाए थे वो अभी हम मिला देंगे इसमें। पंचामृत भी अभी मिक्स कर रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे बनती है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। और ये हमारा खाना तैयार है, चलो भूख लगाते हैं। और ये मेरी थाली है खाने की, तो चलो खाना खाते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी हमारा खाना हो रहा है। सब्जी बहुत 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 यम्मी बनी है, मज़ा आ गया। रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी हमारा खाना हो रहा है। सोते सोते 3 बज जाएंगे और सुबह का ठिकाना नहीं है। सुबह 10-11 कितने बजे उठेंगे क्या पता। दूसरे दिन शाम को हम लोग चले गए थे हीरानदानी की दही हंडी देखी, और इतने सालों में पहली बार हमने यहाँ की दही हंडी देखी। बहुत मज़ा आया, आप लोग भी देखो। सारी नगरी रे आया फिर रज का पाका संभाल तेरी गगरी।